Hello student, from today we are going to start our practicals. There are total 16 practicals in our subject NIS, and in this lecture we are discussing about the practical number 1, install and configure antivirus software on system any and set up operating system updates, and practical 2, perform the backup and restore of the system. After completion of this practical, you will be able to understand installation and configuration of antivirus software and operating system updates and understand backup and restore of the system. Prerequisite is antivirus software and operating system. And for the practical 2, about the backup and restore. Relevant program outcome, basic knowledge, discipline knowledge, experiment and practice, engineering tools, environment and sustainability, individual and teamwork, communication and lifelong learning. These are the relevant program outcome for the practical number 1 and practical number 2. Now, practical number 1, install and configure antivirus software on system any, set up operating system updates. अभी यहाँ पे अगर हम बात करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 1 की, तो प्रैक्टिकल नंबर 1 में हमको करना क्या है कि इंस्टॉल करना और कॉन्फ़िगर करना है एनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना है. सो एट दिस लेवल एवरीवन नोज हाउ टू इंस्टॉल द एंटीवायरस इन योर कंप्यूटर सिस्टम, नॉट ओनली इन द कंप्यूटर सिस्टम बट ऑल्सो इन योर मोबाइल फोन ऑल्सो. ओके, आज एंटीवायरस सिस्टम में होना ये मस्ट है. वाई? बिकॉज देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वायरसेस एज वी आर ऑलरेडी लर्न इन द यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2. हमने पूरे थ्योरी सिलेबस में यही डिस्कस किया हुआ है कि व्हाट इज सिक्योरिटी, हाउ टू मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम एंड योर इंटरनेट. सो सिक्योरिटी का एक पार्ट रहेगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. सो द रोल ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज टू डिटेक्ट द वायरसेस इन द सिस्टम एंड टू रिमूव फ्रॉम द सिस्टम. ओके, सो इसका इंस्टॉलेशन क्या रहेगा कि अगर आपके पास में सीडी होगी एंटीवायरस की, सो यू कैन इंसर्ट दिस सीडी इनटू योर सीडी रोम एंड रन द सेटअप एंड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन जो भी वहाँ पे दिए रहेंगे, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू अपडेट योर कंप्यूटर सिस्टम. नेक्स्ट वन, सेटअप ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट. सो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हमको अपडेट करना जरूरी है. सो थ्रू द कंट्रोल पैनल वी आर एबल टू अपडेट टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम. सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रैक्टिकल नंबर 1 की हाउ टू इंस्टॉल द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑन द सिस्टम एंड सेटअप द ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स. नाउ थ्रू दिस प्रैक्टिकल कंपिटेंसी एंड प्रैक्टिकल स्किल क्या रहेंगे. दिस प्रैक्टिकल इज एक्सपेक्ट टू डेवलप द फॉलोइंग स्किल इन यू, हाउ टू इंस्टॉल द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर. किस तरीके से हम एंटीवायरस को इंस्टॉल करेंगे और उसके इंपॉर्टेंस क्या रहेंगे, दैट मीन्स एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल कर रहे तो उसके इंपॉर्टेंस क्या है. प्रैक्टिकल आउटकम क्या रहेंगे, डिफाइन, आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई द रिस्क रिलेटेड टू द कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड इन्फॉर्मेशन हैज़ार्ड्स इन द वेरियस सिचुएशन. इंट्रोडक्शन टू ऑपरेट एंटीवायरस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स. सो व्हाट इज एंटीवायरस, इसका काम क्या रहेगा, जो भी वायरसेस हमारे कंप्यूटर सिस्टम में रहेगा उसको वो डिटेक्ट करेगा और वायरस भी हमारे सिस्टम को यहाँ पे बनाएगा. इंस्टॉलेशन ऑफ एंटीवायरस, जस्ट पुट योर द सीडी ऑफ एंटीवायरस एप्लीकेशन इन योर सीडी डीवीडी रोम एंड क्लिक ऑन द रन बटन. सो आफ्टर क्लिकिंग नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द एंटीवायरस एप्लीकेशन, यू हैव टू जस्ट फॉलो दिस गाइडलाइन एंड इंस्टॉल इन योर कंप्यूटर सिस्टम. नीड क्या रहेंगे, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीवायरस है जो अभी तक के हमने थ्योरी में डिस्कस किया हुआ है. देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वायरसेस, फॉर हैंडलिंग दिस वायरसेस वी नीड सम सॉफ्टवेयर, सो उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं एंटीवायरस, लाइक अ एंटीडोट्स फॉर द वायरसेस. So to maintain your computer system, to secure your data, to secure your computer system or to secure your network, we must have to install the antivirus software on your computer system. Updates. So after some time, the operating system releases some updates.
Not only for the operating system, but also for the antivirus program also, some updates are available on the internet after some period of time. So what exactly happen in this update? So some new features are added in the operating system as well as in the antivirus software. So manufacturing company tell us ki you have to update your antivirus and update your operating system also, because we are providing some extra another features for your application. That means for antivirus software bhi ho sakta hai aur aapke operating system bhi ho sakta hai. So this is again another part of security to maintain your computer system and your information properly. Okay, so instead of uninstalling previous operating system or previous antivirus and installing new one with the extra update, extra features, you have to just update your antivirus and operating system. Matlab, अगर कुछ नए फीचर्स तो कंपनी प्रोवाइड कर रहे हैं, सो आपको प्रीवियस सॉफ्टवेयर्स को अनइंस्टॉल करके नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है. जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द अपडेट बटन, सो योर एंटीवायरस एप्लीकेशन एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट ऑटोमेटिकली एंड न्यू फीचर्स एडेड इन योर एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली. देयर इज नो नीड ऑफ अनइंस्टॉलेशन एंड इंस्टॉलेशन. ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स, सो जो अभी हमने डिस्कस किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम के भी अपडेट्स होते हैं, जो भी कंपनी नए फीचर्स ऐड कर रहे हैं, सो आपको जस्ट क्लिक ऑन द अपडेट बटन, यू हैव टू अपडेट योर ऑपरेटिंग सिस्टम. सो जो भी नए फीचर्स रहेंगे वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाएंगे. नाउ हाउ टू राइट द प्रैक्टिकल, अभी ये चीज़ आपको समझना जरूरी रहेगा. सो सबसे पहले टाइटल, आफ्टर दैट रिलीवेंट प्रोग्राम आउटकम, आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन विद डायग्राम्स इफ रिक्वायर्ड, मैक्सिमम प्रैक्टिकल्स में डायग्राम रहेगी, फ्लो चार्ट डेटा फ्लो डायग्राम इफ रिक्वायर्ड. प्रोग्राम जब रहेंगे तो आपको फ्लो चार्ट डेटा फ्लो डायग्राम के बिना आपका प्रोग्राम का प्रैक्टिकल कंप्लीट नहीं होगा. एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम विद द रिजल्ट, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम चाहिए विद द रिजल्ट. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन, कंक्लूजन, रेफरेंसेस. नाउ इन दिस मैनर ओनली यू हैव टू कंप्लीट ऑल द प्रैक्टिकल्स. ओके, सम थिंग्स आर मैंडेटरी, सम थिंग्स आर ऑप्शनल. ओके, सो ये जो अगर हम यहाँ पे प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो डेटा फ्लो डायग्राम रहेगा, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम भी रहेगा, बट अगर हम प्रैक्टिकल वन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम की बात ही नहीं रहेगी. बट दिस इज़ अ स्टैंडर्ड वे एंड दिस इज़ अ स्टैंडर्ड कंटेंट टू कंप्लीट योर प्रैक्टिकल, एंड आउट ऑफ दिस कंटेंट सम आर द ऑप्शनल. दिस वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिकल नीड. सो दिस इज द सिक्वेंस ऑफ राइटिंग प्रैक्टिकल. These are the references. If you have some query, so click on this link or follow this link to understand in detail. So practical related question for the practical number one, what are the steps of installing and updating antivirus software? State the need of updating antivirus. Now the practical number two, परफॉर्म बैकअप एंड रिस्टोर ऑफ द सिस्टम. अभी कंपिटेंसी क्या रहेगी, हाउ टू परफॉर्म द बैकअप एंड रिस्टोर ऑफ द सिस्टम, बैकअप कैसे लेना आपके सिस्टम को, रिस्टोर कैसे करना सिस्टम को, और इसका प्रैक्टिकल आउटकम रहेगा. डिफाइन आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई द रिस्क रिलेटेड टू द कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड इन्फॉर्मेशन हैज़ार्ड्स इन द वेरियस सिचुएशन. इंट्रोडक्शन में क्या रहेगा, बैकअप व्हेनेवर, जब भी आपको आपके कंप्यूटर सिस्टम को टोटल फॉर्मेट करना है, सो यू हैव टू जस्ट टेक अ बैकअप ऑफ योर डेटा इन द हार्ड डिस्क और द सीडी डीवीडी और इन द पेन ड्राइव. रिस्टोर ऑफ द सिस्टम, अगर आपके आपको अगर आपके सिस्टम को रिस्टोर करना है, सो यू कैन डू इट इजीली विद द हेल्प ऑफ रिस्टोर ऑफ द सिस्टम. नाउ हाउ टू राइट द प्रैक्टिकल्स, अगेन सेम थिंग, यू हैव टू फॉलो दिस ऑल द कंटेंट्स टू कंप्लीट द प्रैक्टिकल्स. दीज आर द रेफरेंसेस यू हैव टू फॉलो फॉर कंप्लीशन ऑफ योर प्रैक्टिकल. These are the practical related question for the practical number two. What is restore of the system? List the step of restore the system. Summary of learning. Practical one में हमने discuss किया install configure antivirus software on the system and the operating system updates. And practical number two में हमने discuss किया about the backup and restore the system. So in detail you have to, for understanding in detail you have to refer the links provided in the references.
In the next lecture, we will discuss the fractal number 3 and fractal number 4.